अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे। ये टिकटॉक वीडियो 21 साल के उस युवक का है जिसे कोरोना वायरस ने जकड़ रखा था और जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा वीडियो दिखाने का मकसद यह है कि कोरोना के आंकड़ों को सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से आप ना देखें, बल्कि इसके पीछे की मानवीय संवेदनाओं को भी समझें। सरकाघाट ब्रारता का रहने वाला यह युवक हालांकि किडनी की बीमारी से भी पीड़ित था और यह कल तक मालूम चलेगा कि युवक की मौत का बड़ा कारण किडनी फेलियर था या कोरोना। लेकिन एक बात सच है कि युवक कोरोना से पीड़ित था और कोरोना वायरस जिसकी इम्यूनिटी कम हो उस पर ज़्यादा घातक होता है। हमें किसी भी कोरोना पीड़ित के परिवार की स्थिति और उसके मानसिक हालत को भी समझना होगा कि वे कैसे खुद को संभाल रहे होंगे। एक तरफ उनकी अपनी सेहत और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करना है और दूसरी तरफ उनका अपना कोई भयानक रोग की चपेट में है। ऐसे में हमारा और आपका ये दायित्व बनता है कि ऐसे परिवारों को हौसला दें। बात अगर युवक की जाए तो आज इस युवक ने IGMC शिमला में शाम करीब 6 बजे दम तोड़ दिया, जबकि इनके कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट शाम करीब 7:45 बजे आई। 21 वर्षीय युवक का नाम अर्पित था, जो कि सरकाघाट उपमंडल के चौक देव ब्रारता गांव का रहने वाला था। युवक की किडनी में बचपन से ही खराबी थी और इसका उपचार चल रहा था। इनके पिता दिल्ली में निजी कंपनी में कार्यरत हैं। यह दिल्ली अपने उपचार के लिए अपने पिता के पास गया था और लॉकडाउन के कारण वहीं फंस गया था। बीती 1 मई को युवक दिल्ली से वापस अपने घर आया। घर पहुंचने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ने लगी तो इसे सिविल अस्पताल सरकाघाट लाया गया। यहां डॉक्टरों को यह संदिग्ध लगा और यहीं पर इनका कोरोना टेस्ट सैंपल लिया गया। इसके बाद उपचार के लिए इन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया। मंडी में इनके एक्सरे हुए और किडनी की समस्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज नीरचौक रेफर किया गया। यहां से फिर युवक का कोरोना सैंपल लिया गया और इसे पिछले कल IGMC शिमला रेफर कर दिया गया था। आज शाम करीब 6 बजे युवक की मौत हो गई। DC मंदिर ऋग्वेद ठाकुर ने युवक की मौत की पुष्टि की है और चौक देव ब्रारता पंचायत के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया है। आज 5 मई के दिन जिला मंडी में हमारा दूसरा पॉजिटिव कोरोना वायरस केस आया है, जिसके लिए रिपोर्ट जो है हमें नियर चौक मेडिकल कॉलेज से प्राप्त हुई है। अनफॉर्चुनेटली इस व्यक्ति की जो ट्रीटमेंट चली हुई थी इस दौरान इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये व्यक्ति जो है वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और इस बीमारी के चलते वे दिल्ली गए थे अपने इलाज के लिए। दिल्ली से ये 1 तारीख की शाम को यहाँ जिला मंडी में फिर से लौटे हैं और अपने परिवार के साथ, और पिछले कल 4 तारीख को ये इन्होंने हॉस्पिटल में, क्योंकि अस्वस्थ थे थोड़े से तो इन्होंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया था। उसके बाद में उनको रेफ़र करके IGMC तक भेजा गया था, जिसमें उनकी आज डेथ हुई है। ये जो एरिया है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, उस एरिया को एज़ पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमने कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है। 3 किलोमीटर का रेडियस है और उसके साथ ही 2 किलोमीटर का अन्य एरिया जो है वो बफर जोन के रूप में इसको लिया है। इसमें हमारी ग्राम पंचायत देवब्राटा और ग्राम पंचायत रोपड़ी इसमें कंटेनमेंट जोन में आ रही है और अगल बगल की जो पंचायतें हैं वो बफर जोन में आ रही है। इस कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की मूवमेंट अब संभव नहीं हो पाएगी। जो भी आइटम्स है उसकी डिलीवरी होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। लोग जो है जहाँ है वहीं पर रहेंगे। इनकी पूरी डिटेल अब जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, लाइन लिस्टिंग की जाएगी, सर्वे हमारी टीम के द्वारा हर घर में किया जाएगा। जितने भी लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं उनका पूरा डिटेल लिया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में जो इनके प्राइमरी कांटेक्ट्स हैं इनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उस सैंपल्स के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं सीएमओ मंडी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने बताया कि युवक दिल्ली से आने के बाद किस किस से मिला, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सिविल हॉस्पिटल सरकाघाट और जोनल हॉस्पिटल मंडी में उपचार के दौरान युवक का किस किस के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ, इसकी जाँच भी चल रही है। जो भी लोग युवक के कॉन्टैक्ट में आए होंगे उन सभी के सैंपल जाँच के लिए भेजे जाएंगे। ये सोचा कि हो सकता है पॉजिटिव भी हो, लेकिन क्योंकि इसकी किडनी नहीं थी, डायलिसिस ये कराता था तो इसको डायलिसिस की बहुत जरूरत थी। तो वहाँ जो उनसे बात हुई प्रिंसिपल साहब से, तो उन्होंने कहा कि मेडिकल अफसर ने यहाँ सोचा कि इसका डायलिसिस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी फेलियर का पेशेंट है, बच्चा है, और कोरोना पॉजिटिव के लिए टेस्ट इसका कोरोना के लिए इसका टेस्ट ले लिया गया है, तो जाँच भी चली रहेगी और इसको रेफ़र कर देता। और उन्होंने कल रात को उसको रेफ़र कर दिया, 8 बजे वहाँ से गया है, 3 बजे शिमला IGMC में पहुँचा है, वहाँ उन्होंने इसको चेक किया। और जो MSA शिमला बात है, उन्होंने मुझे बताया कि हमने उनकी कंडीशन, बच्चे की कंडीशन देखे, मेडिकल अफसर ने वहाँ भी उसका कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया था, और वो मेडिकल कॉलेज शिमला में भी उन्होंने टेस्ट लगा दिया था। यहाँ की जो रिपोर्ट है वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव थी, लेकिन जो कन्फर्मेटरी रिपोर्ट थी उसमें इनकन्क्लूसिव आया, लेकिन मेडिकल कॉलेज शिमला में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और 5:54 पर आज शाम को इसकी वहाँ शिमला में डेथ हो गई है। तो ये इसकी ये है, और अब हम इसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसके घर की कर रहे हैं। हमने BMO संधोल को बता दिया है, उन्होंने वहाँ से आशा वर्कर और हेल्थ वर्कर जो है इसके घर में भेज दी है। अभी वहाँ जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग इसके कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको हम होम क्वारंटाइन करेंगे, और जैसे ही या तो उनको चेक करेंगे, कोई सिम्टम होगा तो उनका सैंपल लेंगे, अगर सिम्टम नहीं होगा तो भी हम इनका सैंपल सभी का, जो भी इसके घर के लोग हैं, इसके माता हैं, पिता हैं, इसका छोटा ब्रदर है, इसके ताया जी हैं जो इसके कॉन्टैक्ट में हैं, उनका भी हम सबका सैंपल लेंगे, सबकी जांच करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टाफ इसके कॉन्टैक्ट में आया हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भी और जोनल अस्पताल मंडी में भी और सरकाघाट में भी, उन सब की हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे कि कैसे कैसे उनका एक्सपोजर हुआ है, उससे कितना हुआ है, अगर इस तरह का कोई हुआ है तो उनकी भी जाँच की जाएगी, और उनके लिए टेस्ट की जरूरत होगी, उनकी सबकी हम टेस्ट करवाएंगे।